हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हैं आज एक और एक ओपन क्लास हमने यहाँ पे कंडक्ट की है इन द मिडल ऑफ द जंगल इन द मिडल ऑफ नोवेयर। आपको बता दें, इससे पहले कि आप अपना टाइम वेस्ट करें यहाँ पे, आपको बताते चले कि ये एक मोटिवेशनल वीडियो है, ये किसी टॉपिक का नहीं है। बहुत सारे बच्चे हमें मैसेज कर रहे हैं, हमारे एडमिन को मैसेज कर रहे हैं, पर्सनल मैसेजेस कर रहे हैं, प्राइवेट मैसेजेस कर रहे हैं कि हमने अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, हमने ये नहीं पढ़ा, हमने वो नहीं पढ़ा, हम फेल हो जाएंगे, हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे लड़के जिनके लड़कियां भी हैं, जिनका कि क्विज में बहुत अच्छा स्कोर रह रहा है यहाँ पे, या अभी जो कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी मतलब कोई प्रिपरेशन नहीं की है, किसी भी सेक्शन को लेकर उन्होंने कोई प्रोग्रेस नहीं किया है, कोई पेशरफ नहीं की है, तो वो ज़्यादा परेशान है, बोल रहे हैं कि क्या हम क्वालिफाई करेंगे अगर हम आज स्टार्ट करेंगे। और जिन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट किया है तो उन्होंने उनको मैं बताता चलूँ, उन्होंने बहुत लीड गेन कर रखी है, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, अब मान के चल सकते हैं कि आज है मार्च, अप्रैल, मई, जून तो आपका टेंटेटिव डेट है, जुलाई अगस्त में आपका एग्जाम होने वाला है, या आप लिख के ले लीजिए मुझे। तो आपके पास अभी भी पाँच महीने यानी कि 5 × 3 = 15 150-160 दिन है आपके पास मिनिमम, अभी भी आपके 150 से 160 दिन है आपके पास, तो आप इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, सबसे इससे पहले कि मैं किसी सब्जेक्ट मैटर पे बात करूं यहाँ पे, आपको बता दूं मैं आपका सिलेबस, अगर आप बहुत अच्छे सीरियसली पढ़ोगे ना तो एक महीने में आपका सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा। और मैं ये एवरेज बंदों की बात कर रहा हूँ, जो अबव एवरेज है वो तो ये 10-15 दिन में ये सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, 10-15 दिन, लेकिन डेडिकेशन के साथ 12-13 घंटे पढ़ के ये 10-15 दिन में जो अबव एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं। और इसमें मैं कोई ये नहीं मार रहा हूँ, कोई शो बोर्डिंग नहीं कर रहा हूँ कि हाँ मैंने किया है ऐसा, कोई और कर सकता है, बिल्कुल ये कोई मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना है आपको, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक्स दिए हुए हैं, हर एक सिलेबस के हर एक सेक्शन में आपको 10-10, 12-12, 15-15 टॉपिक्स दिए हुए हैं, आपको वो टॉपिक पढ़ने हैं, चाहे वो आप इंटरनेट से पढ़े, चाहे आप वीडियो से पढ़े, चाहे आप टेक्स्ट बुक से पढ़े, फिर उस पर आपको एक क्वेश्चन बैंक करना है, MCQ का एक क्वेश्चन बैंक जो हम रेगुलरली हमारे सुहेल सर आपके यहाँ पे करा रहे हैं टेलीग्राम पे, बहुत एक्टिव है, खुद भी वो एक स्टूडेंट है, माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट बंदे हैं वो एंड वेरी क्रिएटिव गाय, वो हमें यहाँ पे आपके रेगुलर क्विज करा रहे हैं, आप उनके साथ स्मार्ट वर्क करिए, आपको डंकी वर्क नहीं करना है, आपको फर्क होता है कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में यही फर्क होता है कि आपको पता होता है स्मार्ट वर्क में आपको क्या करना है, तो आप उनके साथ बने रहिए, वो हर एक सिंगल जो भी आपका टॉपिक है सिलेबस में उस पर रोज आपको क्विजेस दे रहे हैं, आपको पोल बना रहे हैं, अगर आप उनके साथ बने रहेंगे 2 महीने के बाद आप देख सकते हैं, आपने रिजल्ट देख सकते हैं जब आप मॉक टेस्ट देंगे आपका स्कोर कहाँ होगा। जैसा कि मैंने पहले ही वादा किया हुआ है आपसे कि 80+ स्कोर वो लेके आएंगे जो हमारे साथ पढ़ेंगे, जो भी फ्रेशर्स होंगे, और जो जिन्होंने पिछले पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम में ऑलरेडी 70-60-50 स्कोर किया हुआ है, उन्होंने ऑलरेडी लीड गेन की हुई है 70-60%, तो उनके लिए ये बहुत ईजी होगा, वो तो 90+ 80+ जाएंगे। बस एक काम करना है आपको, आपको पैनिक नहीं करना है। आपके कितने सेक्शन है, आपके आपके 8 सेक्शन है, देखिए आपके 2 कोर सेक्शन है 30 मार्क्स के, एक तो आपका अकाउंट्स का है 30 मार्क्स का, जीके का 30 मार्क्स का, आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, आपको आपको ऐसे पढ़ना है, रोज आपको इन 2 सेक्शन में से एक एक टॉपिक जरूर पढ़ना, मेक इट अ पॉइंट, मेक इट अ हैबिट कि किसी भी दिन आप जीके और अकाउंट्स का कोई भी मतलब कभी भी किसी भी दिन आप स्किप नहीं करेंगे, एक टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है इन 2 में से, एक उसमें से वो आपका बेस बनेगा, फिर जाके आप मैथमेटिक्स सेक्शन से, स्टैटिस्टिक्स सेक्शन से, इकोनॉमिक्स सेक्शन से, और साइंस सेक्शन से, या इंग्लिश सेक्शन से। और सबसे बड़ी गलती करते हैं यहाँ पे लोग, इंग्लिश नहीं पढ़ते, देखिए यार ये वो इंग्लिश नहीं है फेसबुक इंग्लिश, ये व्हाट्सएप इंग्लिश नहीं है, व्हाट्सएप पे जो आप इंग्लिश लिखते हैं, क्योंकि हमने जो मॉक टेस्ट में मैंने देखा है क्विजेस पे जो आते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, देर आर ग्रामेटिकल रूल्स, और ऐसा नहीं है कि पुराने जमाने की तरह आपको बोलेंगे यहाँ पे कौन सा आएगा, 0 आर्टिकल आएगा, दे आएगा, ए आएगा, एन आएगा, आर्टिकल आएगा, कौन आएगा, वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इंग्लिश में भी आपको पढ़ना है, आपको वीडियोस देखने हैं, आपको ग्रामर से पढ़ना है, तो वो रूल सीखने हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसको बोलते हैं, आपको बोलता है एडवर्बियल क्लासेस किसको बोलते हैं, क्लास किसको बोलते हैं, सेंटेंस करेक्शन किसको बोलते हैं, सिक्वेंसिंग किसको बोलते हैं, क्लोज टेस्ट किसे बोलते हैं, वो आपको सीखना ही पड़ेगा सर, उसके लिए आपको कोई ना कोई रिसोर्स पढ़ना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा, आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस ने बड़े बड़े सिकंदरों को डुबाया है इस दुनिया में। ठीक है, अब बात आती है कि आप कैसे स्टार्ट करेंगे पढ़ाई। देखिए ऐसा आज वो ट्रेडिशनल जमाना गया, अब 24 घंटे किताबों पर बैठेंगे और पढ़ेंगे, शाम को जो आपने दिन भर पढ़ा होगा वो आप शाम को भूल जाएंगे,
आज आप यूट्यूब आपका बेस्ट सोर्स है। यूट्यूब जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारी चैनल से ही देखिए वीडियोस, जो भी अच्छी अच्छी चैनल्स हैं, जो भी यूपीएससी की चैनल है वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, आपको यू हैव टू पुट इन एवरी डे, यू हैव टू पुट इन सम 3-4 आवर्स आप डेडिकेशन के साथ। और सबसे बड़ी बात ये कि आप कोई और एग्जाम मत दीजिए मीनवाइल, जिनका कि जो सीरियस एस्पिरेंट्स है फाइनेंस असिस्टेंट के लिए, आप कोई और साइड बिजनेस मत करिए, आप कोई जॉब नहीं करिए साइड में, कोई और एंगेजमेंट नहीं रखिए, आप सोलली इस पे फोकस करिए। जब आप इस पे फोकस करेंगे तभी जाके आपको फोकस आएगा, और फोकस आना ही बड़ी बात है। वो कहते हैं ना, वेल बिगिन इज हाफ डन। अगर आपके पास फोकस नहीं है तो आप देख काम से, आप कितने भी बड़े दुर्रम खां, अपने तीसवार खां मानते होंगे आपने आपको, लेकिन भाई साहब ये कोई सेमेस्टर एग्जाम नहीं है कश्मीर यूनिवर्सिटी का या गलगोटिया यूनिवर्सिटी का, ये कोई वो नहीं है जम्मू यूनिवर्सिटी का, आपको सेमेस्टर एग्जाम आपके 5 दिन पढ़ के गए और रट्टा मार के वहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपने 90% लिया, ये वो एग्जाम नहीं है सर। इसके लिए आपको एप्लीकेशन दिखाना होगा, क्रिएटिविटी दिखाना होगा, पेशेंस दिखाना होगा। और इन एग्जाम में क्या होता है, अक्सर एवरेज स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर जाते हैं, जो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में टॉपर्स होते हैं वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ड्रॉप होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो हार्ड वर्क है, जो स्मार्ट वर्क है, इट आउटरन्स इवन द टैलेंटेड, द मोस्ट इंटेलिजेंट गाइस इन द बिजनेस। बिकॉज जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो बोलते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो नहीं करना आपको। एवरीबडी हैज़ टू वर्क वेरी स्मार्ट एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद योर वर्क। आप कभी भी कोई भी डे ऑफ नहीं ले सकते, चाहे आप एक ही घंटे पढ़ें, लेकिन आपको हर दिन पढ़ना है, बने रहना है। आप हमारे ग्रुप के साथ बने रहिए, सुहेल सर हमारे बहुत ही इंटेलिजेंट बंदे हैं, ही वॉज माई क्लासमेट एंड ही इज स्टिल माई बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम चाइल्डहुड। अब उसके साथ बने रहिए, ही इज ऑल द टाइम 24 आवर्स ही इज बिजी विथ दिस जॉब, ही इज अपलोडिंग योर क्विजेज एंड ही इज अपलोडिंग द स्टडी मटीरियल एंड बहुत ही रेलिवेंट मटीरियल आपको क्वेश्चन बैंक बना के दे रहे हैं आपको। लगभग हमने टारगेट किया है सुहेल सर के साथ, मैंने आपको 10-15 हज़ार MCQs कराएंगे पूरे टॉपिक को लेकर, और उसमें से ही आपका पूरा पेपर आएगा। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। देखो, हम ये नहीं चाहते हैं, हर एक चाहता है कि उनकी यूट्यूब चल बढ़े, हम भी चाहते हैं हम भी प्रमोट करते हैं, लेकिन ये हमारा भी हक है। देखो, अगर हम आपके लिए कुछ काम कर रहे हैं तो आपका भी तो थोड़ा हक बनता है कि आप भी हमें थोड़ा सपोर्ट करें, ताकि हम भी थोड़ा इंकरेज होते रहें। बाकी हमारा कोई ये बिजनेस नहीं है कि हम कोई डॉलर्स नहीं कमा रहे हैं यहाँ से। मेरा ये शौक है कि अगर मैंने कुछ पढ़ा हुआ है, मैं कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रखता हूँ, तो ये मैं पास ऑन कर दूँ, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी भी है। तो बाकी आप डरिए मत, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि ये जो अबो एवरेज बंदे हैं, अबो आप बोलेंगे आप अबो एवरेज नहीं, होता है सर, IQ होता है, जेनेटिक्स होता है, जिसके जीन्स, ये जीन्स पे डिपेंड करता है, न्यूरॉन्स पे डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में होंगे, ब्रेन किस में होंगे, उतना ही आपका इंटेलिजेंस होगा, पिकअप होगा। तो मैं बोल रहा हूँ जिनका IQ लेवल हाई है, उनको 10-15 दिन में इसको एक रिविजन मार सकते हैं सिलेबस में, और वो 70+ स्कोर कर ही लेंगे। और जो एवरेज बंदे हैं वो 1 महीने में कर सकते हैं। और फिर आपको क्या करना है, जितने भी रिवीजन पॉसिबल हो सकते हैं आप करिए। आपको हम सारे सेक्शन पढ़ाएंगे यहाँ से। अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं खुद भी एक अभी भी मैं एस्पिरेंट ही हूँ, मैं भी कुछ एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, सिविल सर्विस वगैरह। तो उस शेड्यूल, बिजी शेड्यूल की वजह से आई एम नॉट एबल टू अपलोड वीडियोज रेगुलरली, बट मैं आपको मैराथन सेशन कराऊंगा 5-5, 6-6 घंटे के, मैथमेटिक्स पे, स्टैटिस्टिक्स पे, जनरल नॉलेज पे, और करंट अफेयर्स पे, इवन अकाउंटेंसी में आपका पूरा कंप्लीट करवाऊँ। आप टेंशन मत लो, अभी आपके पास बहुत टाइम है, बने रहिए हमारे साथ। डिप्रेस होने की कोई बात नहीं है, इट इज़ नॉट लेट, कोई लेट नहीं हुआ है अभी। यू कैन स्टार्ट राइट नाउ एंड दोज हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, दे हैव ऑलरेडी गेन्ड लीड। और जिन बच्चों का, जो मैं एक थोड़ा सा इंडिकेशन बता दूँ, जो हमारे क्विजेज में 10 में से 7 एंड अबो लेके आ रहे हैं ऑन एन एवरेज बेसिस, वो अपनी सीट को फाइनल मान ले, वो अपनी सीट को फाइनल मान ले। मैं आपको ये नहीं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं करा रहा हूँ, उनको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, लेकिन मैं अगर वो इसी डेडिकेशन के साथ काम करते रहेंगे, प्रिपरेशन करते रहेंगे, तो कोई नहीं रोक सकता उनको फाइनल लिस्ट में आने से। और मैं आपको बता सकता, गारंटी देता हूँ कि जो इन 5 महीनों में रेगुलरली बना रहेगा हमारे साथ, हमारे ग्रुप में, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और उनको कोई नहीं रोक सकता फाइनल लिस्ट में, मतलब टीचर होने से। तो बाकी मैं आपको ये कहूँगा, आप भी हमें थोड़ा सपोर्ट करिए, आप हमारी चैनल को थोड़ा सा शेयर करिए, हर एक बंदा जो है ग्रुप में 5-5 फ्रेंड्स के साथ शेयर करें हमारी चैनल को, ताकि हम भी थोड़े से मोटिवेट हो जाए, थोड़ा हमको भी थोड़ा इंसेंटिवाइज हो जाए, और हम भी आपका काम आगे लेते चलें। बाकी आपको डरने की जरूरत, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, आई हैव माय पर्सनल नंबर वहाँ पे, सुहेल सर शेयर करेंगे मेरा कोई भी किसी भी विषय में आपको किसी भी विषय को लेकर आपको मुझसे बात करनी होगी, तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम, यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, आई एम ऑलवेज अवेलेबल एट योर सर्विस। थैंक यू।